नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, इंडियन नेवी अग्निवीर MR के फॉर्म आ चुके हैं और अब की बार दोस्तों इंडियन नेवी सभी को जो है मौका देगा भाई एग्जाम में बैठने का। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को इंडियन नेवी MR के 2023 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि कई चीज़ें जो है कैंडिडेट के मन में आ रही है दोस्तों कि सर क्या आपकी बार जो है बदलाव हुआ है, क्या जो है वही समान पैटर्न पर जो है सिलेक्शन हो रहा है, क्या कुछ बदला है और क्या कुछ जो है सेम है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है रहने वाली है, क्योंकि देखो अगर आप वो सारी चीज़ें पढ़ते रहोगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आनी ही नहीं है, तो दोस्तों उन चीज़ों का आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलेगा और थोड़ा सा टाइम लगा के आप एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर को समझते हो तो वो आपकी प्रिपरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों उसको बहुत ही ज़्यादा हद तक जो है कम कर देंगी। तो ये चीज़ें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे भाई सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अपनी जो है डिफेंस शिक्षा ऐप पर दोस्तों इंडियन नेवी अग्निवीर MR का जो है VOD बैच यानी वीडियो ऑन डिमांड बैच जो है आ चुका है दोस्तों, जिसमें अपडेटेड कंटेंट है, 100 से ज़्यादा घंटे की जो है क्लासेज है दोस्तों और 114 जो है लेक्चर आपको इस बैच के अंदर देखने को मिलेंगे, GK साइंस और मैथ के कंप्लीट सिलेबस कवर है। साथ ही साथ वो टॉपिक भी कवर है जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। PDF फाइल और नोट्स भी आपको जो है देखने को मिलेंगे। प्राइस दोस्तों फिक्स है भाई, 599 रुपीज़ का आपको ये बैच मिलेगा। 3 महीने की ड्यूरेशन रहेगी दोस्तों और बहुत सारे कैंडिडेट ने इस बैच की मदद से सिलेक्शन भी लिया है। और दोस्तों प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट भी जो है हमने जो है ऐप पर डाल दिए हैं। इंडियन नेवी MR के लिए 20 ऑनलाइन टेस्ट आपको मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि मैंने खुद जो है बनाए हैं और दोस्तों मैं 100% कह सकता हूं भाई ये क्वेश्चन जो है, ये जो टेस्ट है ये प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है दोस्तों, क्योंकि जो कैंडिडेट के एग्जाम के रिव्यू के क्वेश्चन है वही मैंने जो है इन जो है ऑनलाइन टेस्ट के अंदर डाले हैं। मात्र 99 रुपीज में आप जो है 20 टेस्ट जो है ले सकते हो दोस्तों। ये सारे के सारे जो बैचेज हैं या फिर टेस्ट सीरीज है ये डिफेंस शिक्षा ऐप पर आपको मिल जाएंगी। डिफेंस शिक्षा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक से भी आप डिफेंस शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, उसमें लॉगिन कीजिए और इन बैचेज को देखिए। डेमो भी आप बिल्कुल फ्री में जो है बैच का देख सकते हो। सो अब मूव करते हैं दोस्तों हमारे वीडियो के टॉपिक पर, जो कि है भाई इंडियन नेवी MR का एग्जाम पैटर्न। सो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अब की बार वाला एग्जाम जो है फेब 2023 के अंदर जो है होने वाला है दोस्तों। फेब के अंदर आपका एग्जाम जो है बिल्कुल शेड्यूल है दोस्तों, ये मत सोचना कि एग्जाम डिले होगा, क्योंकि इंडियन नेवी का सारा शेड्यूल्ड प्रोसेस है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, जिसे आप CBT कहते हो या फिर इसी को क्या कहा जाता है INET कहा जाता है दोस्तों, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है दोस्तों। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों टोटल टाइम ड्यूरेशन की, तो वही आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें भाई सब्जेक्ट की, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 सेक्शन में डिवाइड है दोस्तों, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 जो है दोस्तों इसके अंदर आपका साइंस एंड मैथ पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 की, तो इसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस आता है और जनरल अवेयरनेस के अंदर ही आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर के, उसके साथ ही साथ दोस्तों हिस्ट्री, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, सिलेबस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, और उसके बाद स्टैटिक जो पोर्शन है दोस्तों वो वाला आता है, ठीक है भाई। पॉलिटी नहीं आती है, कहीं आप पॉलिटी पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। साइंस के अंदर अगर बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो साइंस रहती है वो जनरल साइंस रहती है और 6 से लेकर 10 तक की साइंस आपकी यहाँ पर पूछी जाती है दोस्तों। अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ आपका जो है नॉन टेक्निकल वाला मैथ आता है दोस्तों, जो कि SSC GD के अंदर आपको देखने को मिलता है, लेकिन कुछ गिने चुने टॉपिक ही हैं दोस्तों जहां से हर बार जो है क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहां पे एग्जाम की पैटर्न की, तो यहां पे भाई जो सेक्शन 2 रहता है ये 25 मार्क्स का रहता है और सेक्शन 1 भी आपका जो है 25 मार्क्स का रहता है, जिसमें से लगभग 12-13 नंबर की जो है आपकी साइंस आती है और 12-13 नंबर का ही आपका मैथमेटिक्स आता है, मतलब 50-50 का पोर्शन जो है यहाँ पे रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जो है 30 मिनट दी जाती है दोस्तों टोटल जो आपका एग्ज़ाम है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 रहते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे भाई टाइम की, तो टाइम मैंने अभी आपको बताया कि 30 मिनट का जो है टाइम मिलेगा, कंबाइंड मिलेगा दोस्तों, चाहे आप एक सेक्शन में सारा टाइम लगा दोनों सेक्शन को सोल्व करने में, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहां पे एक मिनिमम पासिंग मार्क्स भी रहते हैं, ठीक है। अगर आप इतना जो है हर एक सेक्शन में स्कोर नहीं करते हो तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा मेरिट के लिए। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स दोस्तों ये हर बार अलग अलग रहते हैं, जैसे कई बार 9 भी हुए हैं दोस्तों, कई बार जो है हर एक सेक्शन में 5-5 मार्क्स भी हुए हैं, तो आप 9 मान के चलो दोस्तों कि 9 जो है मार्क्स यहां पे पासिंग आपके रहेंगे। बाकी 5 भी रहते हैं दोस्तों कई स्टेट के लिए, क्योंकि यहां पे स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो दोनों ही सेक्शन में आपको कम से कम 5-5 मार्क्स लेकर आने होंगे, लेकिन ये नहीं है कि 5 या
नौ नौ मार्क्स लेकर आने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी जो है कट ऑफ बनेगी दोस्तों, मेरिट लिस्ट बनेगी भाई, जिसमें हर स्टेट के लगभग अलग अलग जाती है, 30 से लेके 40 के बीच की जो है मैक्सिमम स्टेट की कट ऑफ जो है रह जाती है दोस्तों, 25 से 40 कहूँगा मैं, 25 से 40 के बीच ही रह जाती है। तो ध्यान रखना, अगर आपने सेक्शन एक में मान लो 25 के 25 क्वेश्चन जो है सही किए हैं, लेकिन सेक्शन दो में आपने केवल 2 ही क्वेश्चन सही किए हैं और आपके स्टेट की कट ऑफ मान लो दोस्तों 24 गई है, तो आप भाई फेल हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपने जो है सेक्शन टू में पासिंग मार्क्स नहीं लेके आए मिनिमम, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। दोनों ही पोर्शन पर आपको अपनी मजबूती बनाए रखनी है। एग्जाम फेब में हो जाएगा दोस्तों, रिजल्ट भी आई थिंक फेब के एंड तक आ जाएगा, उसके बाद आपका जो है मार्च में जो है फिजिकल और मेडिकल हो जाएगा, और मार्च या अप्रैल में हो जाएगा दोस्तों फिजिकल मेडिकल, और अप्रैल में अप्रैल 23 को जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी दोस्तों, और फिर भाई मई के फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी दोस्तों। ये जो बैचेस मैंने आपको बताए भाई, बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों जिन्होंने इन बैचेस की मदद से एग्जाम को क्वालिफाई किया है, क्योंकि एग्जाम में वही जो है प्रीवियस ईयर के बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कि बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे कवर किए हैं। डेली अगर आप दो दो वीडियोस भी देखते हो तो भी आप जो है 2-3 महीने में इनको अच्छे से कवर कर सकते हो दोस्तों। आज से ही पढ़ाई पर जो है फोकस कर दोस्तों, क्योंकि भाई कंपटीशन बढ़ चुका है, बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट आए दोस्तों बैच से रिलेटेड, तो आप इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी भी ले सकते हो, बाकी इतनी कम प्राइस में दोस्तों इतना वैल्यूएबल कंटेंट शायद ही आपको कहीं पर मिले, ठीक है। तो एक बार जरूर से डाउनलोड कीजिएगा, डिफेंस शिक्षा ऐप है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर पर डिफेंस शिक्षा लिख के जो है डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।